राधे जी आप यहाँ? हमने कहा था ना हमारा पीछा मत करिए। कृष्णा जी अब आ गए हैं ना तो साला कांड करके जाएंगे। कहाँ छुपा रखा है इसको? कहाँ जा रहे हैं आप राधे जी? राधे जी कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए क्या? पागल तो आप हमें बना रही है कृष्णा जी। आपको क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे क्यों और किससे मिलने आई हैं? अच्छा क्या करने आए? क्या लगता है आपको यहाँ क्या चल रहा है? कृष्णा जी हम बोल नहीं पाएंगे, हमारे मुंह से नहीं निकल पाएगा कृष्णा जी, मगर ये जो बेड पे सामान बिखरा पड़ा है ना ये सब कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पे कमरे में अकेले प्रशांत के साथ क्या क्या चल रहा है। चुप क्यों हो गई? बोलिए बोलिए ना, आप क्या बोलेंगी? साले को छोड़ेंगे नहीं हम आज। प्रशांत दरवाजा खोल, आज तो तेरी जान ले लेंगे। साले दरवाजा खोल, अंदर क्या छुपा पड़ा है? साले दरवाजा खोल। तेरी चिल्लम चोट मचा रखी हो बे? और ये क्या है? खान सामा लग गए होटल में जो चाकू लेके घूम रहे हो? इस साले हम बोल रहे हैं पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हारे अंदर घोप देंगे। इस साले प्रशांत को तो छोड़ेंगे नहीं आज। शिव शंकर भोले भाले वो तो भक्तों के रखवाले, उनको मेरा प्रणाम। अरे तेज चलो, इका कछुआ जैसा चल रही हो भाई। कहाँ फंसा दी मम्मी जी हमें, हमसे काहे पोछा लगवा रही हैं? बेला रानी का घुसर पुसर कर रही हो तुम हैं? अरे पाँव से चल रहे हैं हम लेकिन कान से सब सुनाई दे रहा है हमको। हाँ जे ना, इतनी महंगी मशीन लेकर आई है जिला टॉपर हमारे लिए। अरे का कर रही हो? अरे 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 ओहो, हमको ही बताना पड़ेगा। हाँ। भाई साहब आप? भाभी जी वो हम कृष्णा से मिलना चाह रहे थे। जिला नहीं मतलब वो घर में होती तो आपको दिखाई दे जाती है। बाहर गई है, आ जाएगी। नहीं मतलब आप बैठिए। ए ललिया और इनको पानी। नहीं नहीं आप चिंता ना कीजिए, हम बाहर इंतजार कर लें। हाँ 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 कौ बेला, अरे इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी भगवान ने, बता नहीं सकती थी तुम हमको हैं? साले हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसीलिए आया यहाँ पे ताकि तुम्हें ऊपर से नीचे तक सब समझा सके। आओ लल्ला आज हम तुम्हें पेल लेंगे। अबे यार क्या कर रहे हो यार, लग रही है हमको साजन, हमको लग रही है, हम बोलो छोड़ो हमको, छोड़ो अबे। साले अभी के अभी बोले निकल जाओ यहाँ से, जब कुछ पता सोता नहीं होता ना तो कुछ मत बोला करो बीच में, बोल ले। आज तो ना हम तुम्हारे सर से प्रशांत का भूत उतार के ही रहेंगे। रहने दीजिए भैया। नहीं भाभी आज तो हम इसका दिमाग ठिकाने लगा के रहेंगे। कोई फायदा नहीं है भैया, शक का कोई इलाज नहीं है और इनके मन में हमारे लिए जो शक बैठ गया है ना वो ना हमारे कुछ कहने से जाएगा और ना ही आपके कुछ करने से। यहाँ कोई प्रशांत नहीं है, जाइए अंदर जाकर बाथरूम में चेक करिए।
ये सारा नाटक था जो साजन भैया की मदद से हमने रचा था। लेकिन कृष्णा जी, क्या राधे जी, क्या ऐसा क्या करें हम जो आप हम पर भरोसा करें? राधे जी, अगर आपको छोड़कर जाना ही होता ना तो हमें कोई बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं थी। पापा आए थे तलाक के पेपर्स लेकर, साइन कर देते और चले जाते, पर हम वापस आए, हमें कोई शौक नहीं है पल्ले से बंधे रहने का। हम वापस इसलिए आए ताकि हम साबित कर सके कि आप जो हमारे बारे में सोच रहे हम वैसे है नहीं। कृष्णा जी, वो प्रशांत। क्या प्रशांत? राधे जी, जब पहली बार प्रशांत के बारे में आपसे हमारी बात हुई थी, याद है आपने हमसे क्या कहा था? कि उनके बारे में आपको कोई बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको हम पर भरोसा था। लेकिन सब झूठ कहा था। नहीं नहीं कृष्णा जी, हमने सच कहा था, हम झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा, तो कहां गया वो भरोसा? भरोसा बेच के बेवकूफी खरीद ली? राधे जी, बाकियों से हमने आपको अलग समझा था, लेकिन आप तो वही के वही अटके रहे कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। कृष्णा जी, हम नहीं चाह रहे थे मानना, मगर हमने जो देखा वो। राधे जी, आंखों से देखी हुई चीज हमेशा सच नहीं होती है। यही साबित करने के लिए इतना सब ड्रामा करना पड़ा हमें। बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, एक ही झटके में आपने हमारे बारे में राय बना ली, हमारा कैरेक्टर खत्म कर दिया, हमें घर से बाहर निकाल दिया। यही प्यार था आपका, यही भरोसा था, और इसी प्यार के कस्बे खाते थे आप। हमारी तरफ क्या देख रहे हो? पीछे जाओ, माफी मांगो, मनाओ उन्हें। कृष्णा जी रुक जाइए, कृष्णा जी प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज कृष्णा जी रुक जाइए, प्लीज कृष्णा जी प्लीज रुक जाइए, कृष्णा जी प्लीज प्लीज मत जाइए, कृष्णा जी मत जाइए भैया, प्लीज मत जाना कृष्णा जी, प्लीज हम आपके। प्लीज कृष्णा जी, प्लीज नहीं नहीं भैया रुकिए, कृष्णा जी प्लीज प्लीज हमें मत छोड़िए, प्लीज कृष्णा जी हम नहीं जी पाएंगे आपके बिना, कृष्णा जी प्लीज। देखिए राधे जी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से जाइए। कृष्णा जी हम नहीं जाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते, कृष्णा जी प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। भैया थोड़ा तेज चलाइए। कृष्णा जी हम ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं करेंगे, कृष्णा जी हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अबे ओ, जब वो बोल दिए ना कि बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, अकेली लड़की देख के छेड़ रहा है क्या? अबे तू अपना काम कर साले, हमारी मिसेज है। अबे ओ, मिसेस तुम्हारी हो या किसी और की, ऐसे छेड़ना अलाउड नहीं है। साले बाहर निकाल निकाल के मारेंगे तुमको, बोल ले। कृष्णा जी प्लीज प्लीज मत जाइए, आप चलिए प्लीज। कुछ चाय पानी? नहीं बेटा, वो बिट्टू हमारे साथ मायके नहीं गई थी ना, तो ये अभी भी उसका ससुराल है, और हम अपनी बेटी के ससुराल का पानी माफ करना बेटा। अरे तो काहे आए हैं जी, बता दीजिए महाराज जी हमें। पिछली बार आए थे तो इतनी फजीहत कर गए थे, इस बार आए हैं न जाने कहां रायता फैलाएंगे। हमें तो बड़ी घबराहट हो रही है जे दुबे जी को देख के। मम्मी जी, ऐसा तो नहीं कि इनके जेब में तमंचा हो और पापा जी को गोली मार दे
क्यों को कह रही हो? कृष्णा जी बात सुनिए हमारी। पापा कृष्णा प्रणाम। पापा जी तो हमको तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। अब बात कर लीजिए, हम अंदर जाते हैं। पापा क्या बात है, आप इसे बिना बताए अचानक आ गए? बेटा जानती हो, हमने तो सिर्फ तुम्हारा नाम रखा था कृष्णा, पर इस नाम की पहचान हमने खुद बनाई थी, कृष्णा दुबे। पापा आप ये सब क्यों अभी कह रहे हैं, क्या हुआ है? बेटा हुआ ये है कि तुम अपने आप को कतई भूल चुकी हो, अपनी नाम, अपनी पहचान, अपनी शौहरत, तुम सब गवा के बैठी हो बेटा। पापा इंसान कुछ भूलता नहीं है, बस कुछ बातों को याद करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके अपने उसे मजबूर कर देते हैं। बेटा जानते हैं गलती हमारी थी, इसीलिए तो वो याद दिलाने आए। बेटा कल तुम्हारा मेडिकल का रिजल्ट आने वाला है, और इस कागज में तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड है। कल अपना रिजल्ट एक बार चेक जरूर कर लेना। बेस्ट ऑफ लक बेटा। पापा बेटा पास हो गई ना, एक बार ठंडे दिमाग से सोचना कि करना क्या है। मुझसे गलती हुई थी, ये गलती तुम मत करना। जा रहे हैं बेटा, खुश रहो। भाभी भाभी हमें आपकी मदद चाहिए। भाभी क्या हुआ राधे भैया, बोलिए ना। भाभी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने कृष्णा जी को बहुत दुख पहुंचाया है, और हम ना उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना, प्लीज भाभी हमारी मदद कीजिए, हम उनको ऐसे नहीं देख सकते। से बात कीजिए ना प्लीज भाभी। हमने तो सिर्फ तुम्हारा नाम रखा था कृष्णा, पर इस नाम की पहचान हमने खुद बनाई थी, कृष्णा दुबे। तुम अपने आप को कतई भूल चुकी हो, अपनी नाम, अपनी पहचान, अपनी शौहरत, तुम सब गवा के बैठी हो बेटा। बेटा जानते हैं गलती हमारी थी, इसीलिए तो वो याद दिलाने आए। ये गलती तुम मत करना।
कृष्णा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। कृष्णा, क्या तुम हमें कुछ बता? कल हमारे मेडिकल के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। हम आपको बता भी नहीं सकते कि इस दिन के लिए हमने कितनी मेहनत की है। कितनी उम्मीदें बांधी है हमने इस रिजल्ट से। जब स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है कि 12वीं के बाद उसे करना क्या है, हमें तब से पता था कि मेडिकल का एग्जाम देकर लंदन मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है। कृष्णा, अगर तुम कल ये रिजल्ट में पास हो गई, क्या तुम ये घर, ये परिवार, ये शादी सब छोड़कर चली जाओगी? क्यों ना जाए भाभी, किस लिए रुक जाए? इस घर में कोई है हमारी परवाह करने के लिए? भाभी आप बताइए ना, कौन है जिसको लगता है कि इस घर में हमारी जरूरत है? एक राधे जी थे जिन्हें हमसे कुछ फर्क पड़ता था, इस बार तो उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया, हमारे रिश्ते का श्राद्ध कर दिया। भाभी ढूंढने से भी एक वजह नहीं मिल रही है हमारे सपनों की बलि चढ़ाने की। और हमेशा लड़कियां क्यों अपने सपनों की बलि चढ़ाए? इसीलिए ये बाकियों के लिए और हमारे लिए बेहतर होगा, ये घर छोड़कर हम हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। यार सुनो बंदे, साले यार, हम तुम्हारी यहाँ पे मदद मांगने और तुम हमें दारू पिलाने पे तुले हुए हो। रुको, अबे यार रुक जाओ साला, तुम जानते हो, अच्छे से जानते हो, तुम हमें कोल्डिंग भी चढ़ जाती है और ये तो फिर दारू है। अट साले, हमारे माथे पे बौद्धम लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तुम मदद करो हमारी। उसे दारू उड़ेल के आए थे तो साले, स्टूपिड बॉय, सरी बन रहे हो, इधर मत करो यार, मत करो यार। सारी सराफत ना दो कंटा में धर के ले लेंगे। सोंगे साजन बोलने नहीं, देखो कृष्णा, हम समझ रहे हैं कि तुम बहुत नाराज हो और ये जो भी हुआ है ना, इसमें तुम्हारी नाराजगी जायज भी है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कृष्णा। लेकिन तुमसे एक बात पूछे, सारी वजह थी तुम्हारे पास इस घर में वापस ना आने की, लेकिन फिर भी तुम आई, पता है क्यों? राधे भैया का प्यार, उनका प्यार खींच कर लाया तुम्हें इस घर में वापस। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होता ना, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कृष्णा कि तुम्हारे बारे में राधे भैया क्या सोच रहे हैं? तुम ये चाहती थी कि कम से कम राधे भैया तुम्हारे बारे में गलत ना सोचे, सिर्फ इसीलिए तुम मजबूर हुई हो इस घर में वापस आने के लिए। कृष्णा, हमने तुमसे कहा था ना, कुछ रिश्ते और कुछ बातें ना समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो सही और गलत की परिभाषा से परे होती है। खैर, हम नहीं जानते कि कल के रिजल्ट में तुम पास होगी या नहीं, डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन जा भी पाओगी या नहीं,
लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तुम हमारे राधे भैया से दूर नहीं जाओगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।